नवरात्रि में उपवास यानी फास्टिंग भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं उपवास के साइंटिफिक कारण क्या है? चलिए आपको बताते हैं फास्टिंग के चार मेन बेनिफिट्स। नंबर वन, बेहतर पाचन शक्ति। नवरात्रि के दौरान उपवास में अक्सर हैवी और प्रोसेस्ड भोजन से परहेज करना होता है, जो पाचन तंत्र को राहत दिला सकता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस दौरान एक तरह की लीव पे होता है और आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को रिबूट करने में मदद करता है। नंबर टू, वेट कंट्रोल। फास्टिंग यानी कि कम कैलोरी इंटेक, जो वजन कम करने में काफी हद तक सहायक साबित हो सकता है। नंबर थ्री, डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ लोग मानते हैं कि उपवास शरीर में जमे हुए वशीले तत्वों को निकालने में मदद कर सकता है। हालांकि शरीर के पास खुद के डिटॉक्स के लिए तंत्र होते हैं, जो उपवास की प्रोसेस के साथ जुड़कर उसका समर्थन करते हुए प्रोसेस्ड भोजन और अल्कोहल में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों की मात्रा को कम करके फास्टिंग आपकी बॉडी के इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक सिद्ध हो सकती है। नंबर फोर, बढ़ती हुई इंसुलिन सेंसिटिविटी। छोटे समय तक उपवास को इंसुलिन की सेंसिटिविटी के साथ जोड़ा गया है। नवरात्रि के दौरान उपवास करके हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम कर सकते हैं। हालांकि ये प्रभाव पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ये थे फास्टिंग से जुड़े चार साइंटिफिक बेनिफिट्स। ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रूमेड्स।